तो फ्रेंड्स मैं हूँ भूपेंद्र जोगी। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। नहीं नहीं फ्रेंड्स, मैं हूँ उत्तरांश। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक एक्सटेंशन बोर्ड, वो भी बिना किसी प्लग के। मतलब हम इसमें किसी भी प्लग का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे सस्ते से सस्ते में बनाएंगे। लगभग हम इसे 10-15 रुपये में ही बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है, देख सकते हो पूरा लकड़ी से बना हुआ है। और फ्रेंड्स, हमने इसमें किसी भी प्लग का यूज़ नहीं कराया, हमने सिर्फ इसमें एक बटन लगाया है। और देख ही सकते हो हमारा जो बल्ब है कितनी अच्छी तरीके से जल रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बने रहिए, पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जोर से वॉच करिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लीजिए, इस टाइप की वीडियो इस चैनल पे मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए देख सकते हो, सबसे पहले मैंने ये कुछ इस टाइप की लकड़ियाँ ले ली है, जिसपे जो हमारी वाइट कलर की सनमाइका चिपकी है। आपकी ज़रूरी नहीं है, आप अगर चिपकी भी लो, आप कैसी भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, इसका मैं आपको एक बार साइज़ बता देता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका साइज़ करीब 21 सेंटीमीटर के करीब है, और जो इसकी मोटाई है वो करीब हमारे 9 सेंटीमीटर के करीब है। तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो कि आपको इसमें कितने प्लग लगाने, 4 लगाने, 5 लगाने या 2-3 लगाने, आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। फिर फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने ये एक बटन लिया है। ये हमारा जो मतलब डिब्बी बॉक्स वाला बटन आता है, वो मैंने लिया है। ये सिर्फ आपको 10 रुपये में बाज़ार में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमको इस पिन के नाप का साइज़ लेना है। देख सकते हो ये मेरे पास पिन है, जो अधिकतर हमारे प्लग होते हैं वो एक ही साइज़ के होते हैं। तो देख सकते हो मैं इसका साइज़ ले लेता हूँ, एक लगभग 2.1 सेंटीमीटर करीब है, 2.1 सेंटीमीटर के करीब है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रखकर इसका नाप ले लेता हूँ पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके जो प्लग के नाप ले लिया है, इस जगह हमारा बटन लगेगा, और बाकी मैंने 4 प्लग के नाप ले लिए है। अब हमको इनमें ड्रिल करना है। हमारे को हमने देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने जो प्लग के ही नाप का ड्रिल करा है, तो आपको ज़्यादा मोटा ड्रिल नहीं करना है। तो एक बार मैं आपको इसमें पिन लगा कर दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, देख सकते हो हमारी जो पिन है वो बिल्कुल ईजिली फिट हो रही है, मतलब बिल्कुल फिटिंग का जो हमारे होल हुआ है, हमारे चारों जो होल है, मतलब चारों जो प्लग है, वो बिल्कुल फिटिंग के हुए हैं। फ्रेंड्स, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बना रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे आपको समझ में आ जाएगा, आप वीडियो में आगे बने रहिए। फ्रेंड्स, देख सकते हो अब हमारी जो ये पिन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके होल हो गए। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो इसके इसमें हमको एक सबसे पहले तो लाइन खींचनी है स्ट्रेट। अब फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, हमको इनको देख सकते हो आगे से मिला देना है। फ्रेंड्स, हमको इनमें कट लगाने हैं। अगर आपके पास कटर मशीन हो तो आप कटर मशीन से भी कट लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको देख सकते हो आगे एक होल करना है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको ये बहुत ही बेकार से लग रहा होगा, हमने जो इसमें कट लगा दिया है, बट फ्रेंड्स ये बहुत ही हमने तरीके से कट लगाया, आपको भी कुछ इस तरीके से ही कट लगाना है। अब फ्रेंड्स, हमको करना क्या है, हमने जो बटन लिया था उसमें फ्रेंड्स आपको एक वायर है जो बिल्कुल हमारा मेन वायर, मतलब जो हमारे मेन वायर निकलेंगे दो, उसमें से आपको एक वायर है जो इस बटन में लगा देना है मेन, और जो हमारा एक जो येलो कलर का छोटा वायर है उसको आपको छोटा ही रखना है। और जो इस बॉक्स में से देख सकते हो हमने पीछे होल करके इन दोनों वायरों को निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स, हमको देख सकते हो जो हमने इधर लास्ट में होल किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उन होलों में से आपको इन दोनों तारों को निकाल लेना है। मतलब हमको इसमें हम सबसे पहले इसमें एक बटन का सिस्टम करेंगे, और जो बटन को कुछ इस तरीके से लगा लेना है आपको। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये दो वायर बच रहे हैं। तो आपको एक वायर तो ये देख सकते हो जो हमने साइड में दोनों मतलब दोनों लाइनों को मिलाया था, वहाँ से हमको एक साइड में जहाँ हमने होल किया था वहाँ से आपको एक वायर को निकाल देना है, और जो दूसरा येलो वाला वायर है उसको नीचे से कुछ इस तरीके से लाकर इस तरीके से हमको इन होलों में लगाना है। इन वायर को येलो वाले वायर को हम पूरा छीलेंगे, मतलब इसके जो ऊपर रबर आता है उसको पूरे को हटाएंगे, और जो हमारा दूसरा वाला वायर है जो हमारा इधर से लगेगा वो हमारा दूसरा मेन वायर होगा, तो उसको भी आपको आधा छील कर कुछ इस तरीके से लगा लेना है। तो इन वायरों को चलिए छील लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये वायर नहीं छिले तो आप, मैंने एक वीडियो बनाई थी वायर छीलने के एक टूल की, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने वायर कुछ इस तरीके से छील लिया है, और देख सकते हो जो हमारा दूसरा मेन वायर है वो भी मैंने ले लिया है, उसको भी मैंने छील लिया है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा। जो हमने इसमें कट लगाए थे वो उस कट की जगह हमारे जो ये वायर है कुछ इस तरीके से लगेंगे, और जो हमारा येलो वाला वायर है जहाँ से हमारा ब्लू वाला वायर को हमने साइड से निकाला था, उन दोनों को आपको एक करके साइड में से निकाल लेना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार एक चीज़ और है फ्रेंड्स,
आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ हमारे होल आ रहे हैं उधर आपको इस टाइप से इस वायर को पकड़कर आपको उसको अंदर की साइड घुसे देना है, या फिर आप इसमें कुछ इस तरीके से इसको मोड़ भी सकते हो। देख सकते हो जो जहाँ हमारा होल आ रहा है ना, बस वहीं वहीं से आपको उसको पकड़ के घुमाना है, जिससे क्या होगा हमारा जो प्लग होगा वो इसके अंदर अर्थ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं इन सबको आगे से कुछ इस तरीके से मोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी पिन है उसको मैं आगे हमारे प्लग में लगाता हूँ। तो ये जो हमारा वायर है वो उस पिन के टच होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि जो हमारे वायर है वो ऊपर उठ रहे हैं, मतलब ये थोड़ा इस तरीके से ऊपर उठ रहा है। तो फ्रेंड्स जो हमारी, मैं आपको बता दूँ, जो हमारी दूसरी वाला लकड़ी है वो हमारे कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगेगी तो ये बैठ जाएगी। अब फ्रेंड्स देख सकते हो हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से जमा दिया है और दोनों को मैंने इनको तारों को मोड़ मोड़ के इनके अंदर ढाल दिया है, मतलब बिल्कुल सही लग रहा है। अब लेकिन फ्रेंड्स फिर भी हमारा जो वायर है वो थोड़ा उठ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इनके बीच बीच में कील से इनको ठोक देंगे। तो फ्रेंड्स इनको देख सकते हो हमने कुछ इस तरीके से कीलों से ठोक दिया है, हमारे जो वायर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ चुके हैं। आप ध्यान रखें कि जो हमारी दोनों कीलें या कर आप ठोक रहे हो तो वो हमारी टच नहीं होनी चाहिए, मतलब इन दोनों वायरों में बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जो हमारी कील है वो भी टच नहीं होनी चाहिए आपस में, क्योंकि फ्रेंड्स कील है आयरन की होती है, आयरन में करंट फ्लो होता है, नहीं तो आपका थोड़ा शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, हमारे जो वायर है उसके होल है उसको आपको कुछ स्क्रू ड्राइवर लेकर उनको कुछ इस तरीके से अंदर डाल देना, मतलब अगर वो ऊपर थोड़े उठे हुए हो तो उनको कुछ इस तरीके से अंदर डाल देना, जिससे जो हमारा प्लग है उसमें करंट अच्छी तरीके से फ्लो हो सके। फिर वो अंदर डालने के बाद फ्रेंड्स आपको इसके ऊपर हमारे जो इस तरीके से जो हमारा दूसरा वाली लकड़ी थी वो आपको इसके ऊपर लगा देनी है। आप ध्यान रखिए कि जो हमारे आप इसको स्क्रू कसोगे इसके अंदर लकड़ी के अंदर, वो आपको बीच में नहीं कसने हैं, आपको इनको साइड में ही कसने हैं। मैं एक बार आपको इस पर निशान लगा कर बता देता हूँ, अगर आप बीच में कसोगे तो आपके जो उस स्क्रू में भी करंट फ्लो होगा, आपके करंट लग सकता है। तो देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से जो इनके साइड में स्क्रू कस लेता हूँ, जिससे आप इसको बाद में भी खोल सकते हो। और हाँ, आपको स्क्रू ही कसने हैं इसमें, आपको इसमें कील नहीं ठोकनी है, नहीं तो आप इसको बाद में नहीं खोल सकते हो फिर। तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मैंने इसमें स्क्रू कस लिया है, मैंने बीच बीच में भी स्क्रू कसा है और एक साइड साइड में कसा है, क्योंकि बीच में जो हमारा ज़्यादा मेन हिस्सा होता है इसलिए वो ज़्यादा मजबूत हो चुका है। तो अब फ्रेंड्स हमारा बटन को चिपकाना है, तो सुपर ग्लू से इस बटन को भी हम चिपका लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो बनकर बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स ये जो हमने बोर्ड बनाया है ये एक यूनिक आइडिया है, आपको ये यूट्यूब पे तो शायद ही मिलेगा। और फ्रेंड्स इसमें करंट देने के लिए ये देख सकते हो मैंने ये एक बोर्ड भी रख रखा है, जिसमें डायरेक्ट हमारी 240 वोल्ट आ रहे हैं। मैं एक बार आपको मल्टीमीटर में भी चेक करके बता देता हूँ, मैं मल्टीमीटर को 750 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे 240 वोल्ट इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो आती है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा जो मल्टीमीटर है वो 240 वोल्ट पे 250 वोल्ट पे सेट है, और इनको स्किन की जो क्रॉप्स है इनको मैं सिंपली हमारे प्लग में ढालता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हम बटन ऑन करता हूँ तो देख सकते हो इसमें लगभग हमारे 200, इसको सही से सेट करता हूँ तो देख सकते हो 240, 239 ऐसे कुछ हमारे वोल्ट आ रहे हैं। तो ये हमारी बिल्कुल मेन बिजली है, मतलब डायरेक्ट, और इसको बिल्कुल मैं मेन बोर्ड में प्लग कर दिया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको इससे कुछ जला कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीधा ही बल्ब ले लिया है, उसको होल्डर में इसके पिन एक लगा ली है। मैं अब आपको उसको डायरेक्टली चला कर दिखाता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, हमारे बिल्कुल 240 वोल्ट एसी वोल्ट का बल्ब है और बिल्कुल अच्छी तरीके से ये ग्लो कर रहा है। मैं एक बार आपको सारी पिन इसकी चला कर दिखा देता हूँ। बहुत ही फ्रेंड्स की यूनिक आइडिया है, इसको आप भी बना सकते हो। देख सकते हो फ्रेंड्स हमारे सब में करंट बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्लो हो रहा है, बट फ्रेंड्स आपको उसको थोड़ा सेफ्टी के साथ बनाना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के बारे में नहीं जानते तो आप इसको बड़े से भी करा सकते हो किसी से, नहीं तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा इसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो आप इसको थोड़ा सेफ्टी के साथ करिएगा। देख सकते हो हमारा जो बटन है वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। बहुत ही फ्रेंड्स ये यूनिक चीज़ है, मतलब यूनिक आइडिया है एक्सटेंशन बोर्ड बनाने का। मतलब इसमें आपके देख सकते हो बिल्कुल भी आपके इसमें पैसे खर्च नहीं होंगे, बस आपके इसमें एक बटन आएगा बस 10-15 रुपए का। और फ्रेंड्स देख सकते हो जो हमारा मतलब एसी बोर्ड से ही एक कनेक्ट है, तो एक बार मैं आपको इस हमारे एसी बोर्ड से भी एक बार इसको जलाकर बता देता हूं, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम इसको ऐसे कर रहे हैं। देख सकते हो हमारे ये एसी बोर्ड से भी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा था। तो फ्रेंड्स हमारा जो बल्ब है वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें चल रहा है। अब चलिए हम इसमें दूसरी चीज़ चला कर देखते हैं। तो देख सकते हो हमारे पास ये ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन का पूरा वायर आपके सामने ही है। हम वीडियो को बिल्कुल भी फेक नहीं बताते। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम वीडियो को ऐसे अलग वायर डालकर इसमें यूज़ कर रहे हो, तो देख सकते हो जो भी कुछ है आपके सामने ही है। फ्रेंड्स देख सकते हो हमने इसमें लगा दिया और कितनी अच्छी तरीके से जो ड्रिल मशीन चल रही है।
तो फ्रेंड्स आपको ये बोर्ड कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।